हेलो गाइस, वेलकम टू डकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, फ्लिपकार्ट पे बहुत ही बड़ा सेल यहां पर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम रहेगा यहां पर फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल, जो कि 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में रहेगा। आपको बहुत सारी स्मार्टफोन डील्स वगैरह देखने को मिलेगी। स्टार्ट टू एंड यहाँ पर जो डील्स है स्मार्टफोन पे वो रिवील्ड हो चुकी है। और आज की वीडियो में मैं आपको 70+ स्मार्टफोन डील्स बताने वाला हूँ, मतलब 70 से ज्यादा स्मार्टफोन डील्स बताने वाला हूँ। उसमें से आज की डेट में अभी के टाइम ऑफर के साथ में कौन से स्मार्टफोन लेना चाहिए, कौन से स्मार्टफोन से बच के रहना चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी है, सारी चीजें बताने वाला बिल्कुल क्लियर कट दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। जनरली हम संडे को एक ही वीडियो डालते हैं, क्यू एन ए वाली वीडियो। वैसे वो मैंने सुबह में डाल दिया था, अगर आपने नहीं देखे हो, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया। आपके काफी धमाकेदार क्वेश्चंस का मैंने वैसे ही धमाकेदार रिप्लाई दिया हो, तो जरूर से जाके चेकआउट कर लेना। और ये जो सेकंड वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जरूरी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल में जो है स्मार्टफोन परचेज करने वाले, तो मेरा मतलब हेल्प करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि कौन सा फोन आज की डेट में वर्थ है, कौन सा फोन नहीं। So guys, चलिए अब सेल के बारे में अगर हम बात करें तो सेल का नाम रहने वाला है फ्लिपकार्ट बिग सेविंग डे सेल। रिपब्लिक डे सेल रखते तो और मजा आता है, लेकिन बिग सेविंग डे सेल यहां पर इसका नाम रखा गया है। 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच में रहने वाला है। और अगर आप फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर हो तो आपको जो है 19 तारीख से जो है सारी चीजें परचेस करने का मौका मिलेगा, सेल का एक्सेस लेने का मौका मिलेगा। तो प्राइम मेंबर लोग के लिए एक दिन पहले यहां पर ये सेल स्टार्ट होने वाला है रात में 12 बजे। और HDFC के यहां पर आपको बैंक कार्ड्स पे और EMI ट्रांजैक्शन पे जो है 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मोस्टली पकड़ के चलोगा क्रेडिट कार्ड पे ही बेसिकली आपको ऑफर मिलेगा, डेबिट कार्ड पे मेबी EMI से अगर आप लेते हो तो देखने को मिल सकता है। और मैक्स डिस्काउंट की बात करें, 1000 रुपया क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, 1000 रुपए का जो है मैक्स डिस्काउंट आपको एक बार देखने को मिलेगा। चलिए अब मैं सारे स्मार्टफोन लाइन से बताता हूं। एंड एक और एक चीज, मैं सारे स्मार्टफोन के स्पेक्स वगैरह तब बताते नहीं बैठूंगा, 70 से ज्यादा स्मार्टफोन बताने हैं, अगर एक एक के स्पेक्स और डिटेल वगैरह देते बैठूंगा घंटों की वीडियो बन जाएगी। वैसे भी ये वीडियो थोड़ी बड़ी रहने वाली है, लेकिन पूरी देखोगे तो सेल के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सीधा बोलूंगा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो गाइस, सबसे पहले स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो ये आता है Realme 7। जी हाँ, ये सेल के दौरान जो आपको 14,000 रुपए का देखने को मिलेगा इसका बेस वेरिएंट। और आपको बता दूं, अगर आप प्रीपेड मतलब कार्ड से पहले पेमेंट करते हो तब 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब ऐसा कैश ऑन डिलीवरी अगर लोगे तो 15 का ही मिलेगा, कार्ड से पेमेंट करते हो तो 14 का हो जाएगा। और अगर HDFC के क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो 13,000 रुपए में मिल जाएगा। 13,000 रुपए में बहुत ही कमाल का ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो है इसका बड़ा भाई Realme 7 Pro, बेसिकली ये भी 20,000 रुपए का है, लेकिन कोई भी प्रीपेड कार्ड से अगर आप पेमेंट कर देते हो, मतलब कोई भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो कि फ्लिपकार्ट की लिस्ट में आता है, तो ये 20,000 का फोन जो आपको 19,000 रुपए मिलेगा। एंड HDFC से डायरेक्ट पेमेंट करते हो तो Realme 7 Pro सिर्फ आपको 18,000 रुपए में देखने को मिलेगा। जस्ट अमेजिंग ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीज, डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट यहां पर Realme 6, 14,000 रुपए का ऐसा देखने को मिलता है, अगेन प्रीपेड पे आपको 1,000 रुपए का ऑफ है तो 13,000 हो जाएगा। HDFC से अगर लगाते हो तो 12,000 रुपए का देखने को मिलेगा, देख सकते हो इतनी बुरी डील नहीं है, 12,000 रुपए में काफी ज्यादा आपको फीचर ये प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर iPhone 11, 48,000 रुपीज का देखने को मिल रहा है HDFC के कार्ड के साथ में, एंड डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। iPhone 11 यार मतलब एक साल पुराना डिवाइस है, बट काफी पावरफुल है, कैमराज वगैरह अमेजिंग है, और एप्पल के इकोसिस्टम में अगर आपको जाना है 48,000 रुपीज में कोई भी बुरी डील नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर Poco X3, मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट डील ये सेल की बोल सकते हो, 15,000 रुपए में आपको देखने को मिलेगा। HDFC का कार्ड लगाओगे 14,000 रुपए मिल जाएगा, एंड वो प्राइस पॉइंट पे जस्ट किलर स्मार्टफोन, 15,000 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे या 14,000 रुपए में मुझे नहीं लगता इससे बेटर स्मार्टफोन आपको इंडिया में करंटली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर Samsung Galaxy F41 14,000 रुपए का, मतलब सीधा मैं बोल रहा हूं, मतलब Exynos 9611 के लिए इतना पैसा डालना बर्बाद है। नेक्स्ट है यहां पर आपका Poco M2 Pro, ये भी मेरी फेवरेट डील है क्योंकि 12,000 रुपए का आपको डायरेक्टली देखने को मिल रहा है, HDFC का कार्ड लगाओगे 11,000 रुपए मिल जाएगा, जस्ट किलर डील। मुझे नहीं लगता 11,000 रुपए के रेंज में आपको इससे बेटर ऑलराउंडर स्मार्टफोन मिलेगा, एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी है, आग बंद करके आप ये स्मार्टफोन को देख सकते हो। नेक्स्ट है Poco C3 7,000 रुपए का, HDFC का कार्ड लगाओगे 6,300 रुपए मिलेगा,
कमाल का स्मार्टफोन है। बजट में अगर आप ढूंढ रहे हो ना 6-7 हजार रुपए की रेंज में, काफी कमाल का स्मार्टफोन। नेक्स्ट स्मार्टफोन है यहाँ पर ओप्पो A12, 8 हजार रुपए में, मैं बोलूंगा स्किप कर दो। नेक्स्ट स्मार्टफोन है आईफोन SE, ये बेसिकली आपको जो है 32,000 रुपीज में देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप HDFC से पेमेंट करते हो 4,000 रुपए का आपको फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो 28,000 रुपए में स्टिल मैं बोलूंगा मतलब यार काफी पुराना है, छोटा है, बेजल्स वगैरह काफी बड़े, तो ये मैं स्किप करने को बोलूंगा। आईफोन XR, जी हाँ, ये आपको 40,000 रुपए का मिलेगा, लेकिन वही HDFC से अगर आप पेमेंट करते हो 4,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है, तो 36,000 रुपीज में मिलेगा। वो प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली आप इसकी तरफ देख सकते हो अगर आपको एप्पल इकोसिस्टम में जाना है तो। नेक्स्ट है यहाँ पर रियलमी C12, 8,500 रुपए में स्किप। रियलमी C15 क्वालकॉम एडिशन, 9,000 रुपए में स्किप। रेडमी 9i, 8,000 रुपए में स्किप, इतना खास नहीं है। माइक्रोमैक्स का In1B देख सकते हो, वो इससे बेटर डिवाइस है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेडमी 9 प्राइम, 9,500 रुपए का देखने को मिल रहा है। मैं बोलूंगा ये लेने से बेटर है कि आप जो है पोको M2 को देख सकते हो। जी हाँ, रैम भी ज्यादा देखने को मिल रहा है और से चीपर वगैरह ऑफर में मिल रहा है, तो रेडमी 9 प्राइम की जगह पोको M2 ले लो, दोनों ही ओपन सेल में मिल रहे हैं और ऑफर वगैरह भी सेम है, तो रैम 2GB एक्स्ट्रा मिल रहा है सेम प्राइस पॉइंट पे, तो मेरे हिसाब से आपको वो कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर मोटो G5G, 21,000 रुपए का कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, या आप सिर्फ आपको 19,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफर लगाओगे 18,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। अगर आपको 5G स्मार्टफोन चाहिए, मोटरोला की ब्रांड वैल्यू अच्छी लगती है, स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह चाहिए, 18,000 रुपए का टाइट बजट है और आपके पास HDFC का कार्ड है, तब देख सकते हो। जी हाँ, 20-21 में मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूँ, 18,000 रुपए में मिल रहा है तब देख सकते हो, डिसेंट स्मार्टफोन अगर आपको 5G स्टॉक एंड्रॉइड और मोटरोला की ब्रांड वैल्यू चाहिए तो। नेक्स्ट है यहाँ पर सैमसंग S20 Plus, 45,000 रुपीज का यहाँ पर ये हो गया है, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन आप इसे कह सकते हो। डिस्प्ले इज अमेजिंग, बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग, सारी चीजें है, लेकिन ये एक 4G स्मार्टफोन है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो कि यार मुझे 5G से लेना देना नहीं है, 4G स्मार्टफोन में 1-1.5 साल चला लूंगा, तब देख सकते हो वन ऑफ द बेस्ट डील है। लेकिन अगर आप 5G है कि मतलब नहीं मुझे 5G चाहिए, मैं 2-3 साल स्मार्टफोन मतलब नया 5G आएगा जब ही यूज कर लूंगा, तब आप इसे स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है सैमसंग नोट 10 प्लस, 55,000 रुपए में स्किप। मी 10 सीरीज बेसिकली अगर आपको IPS डिस्प्ले के साथ में चल जाएगा एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन, तब देख सकते हो, अदरवाइज ये भी इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गर्म गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस, नेक्स्ट स्मार्टफोन यहां पर रियलमी C15, 9,000 रुपए में स्किप। ओप्पो रेनो 2F, 16,000 रुपए का मिल रहा है, बैंक ऑफर लगोगे 14 में मिल जाएगा। नहीं, और थोड़ा वेट कर लो और जाके सस्ता होगा आगे चल के, तब आप देख सकते हो। वैसे ओवरऑल एमोलेड डिस्प्ले और स्टोरेज 256GB मिल रही है, काफी बढ़िया डील है, लेकिन इसमें 14 में मिल रहा है, आगे चल के 13 वगैरह में मिल जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, थोड़ा पुराना स्मार्टफोन है, तब आप वेट कर सकते हो, स्किप अगर लेना ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आगे चल के और सस्ते में मिल जाए तो और धमाकेदार डील बन सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर ओप्पो F15, 13,000 रुपए का ये आपको देखने को मिल रहा है, एज वेल एज आपको बता दूं कार्ड लगाओगे 12,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। एंड 12,000 रुपए में आप ऐसे बंदे हो, मुझे भाई एमोलेड डिस्प्ले से ही लेना देना है, मेरे को बाकी की सारी चीजें ठीक ठाक चल जाएगी, लेकिन मेरे को एमोलेड डिस्प्ले और वूक चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए और मेरा टाइट बजट है 12-13 हजार रुपए का, तब देख सकते हो कोई बुरी डील नहीं है। नेक्स्ट है पोको M2, 10,000 रुपए का है, और भाई HDFC से अगर आप पेमेंट करते हो ना 1,500 रुपए का आपको यहाँ पर ऑफ देखने को मिलेगा। 8,500 रुपए में जो है आपको पोको M2 देखने को मिल जाएगा, 664 वाला वेरिएंट, जस्ट किलर, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन डील्स ये सेल के दौरान में, डेफिनेटली 8,500 रुपए में ग्रैब कर लो, HDFC का क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगा लो। नेक्स्ट यहाँ पर ओप्पो A33, 10,000 रुपए में स्किप। ओप्पो A5S, 8,500 रुपए में स्किप। इन्फिनिक्स 08i, 15,000 रुपए में, इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है। और नेक्स्ट है पोको X2, 15,000 रुपए में स्किप। X3 ले लो सेम प्राइस पॉइंट पे, इससे बेटर डील है। नेक्स्ट यहाँ पर मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस, ये आपको 16,000 रुपए का मिल रहा है, और बैंक वगैरह का कार्ड लगाओगे 15,000 रुपए का मिलेगा, देख सकते हो, देखना है स्टॉक एंड्रॉइड है, पॉपअप सेल्फी कैमरा, बेजललेस डिस्प्ले वगैरह, देख सकते हो डिसेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर मोटो G9, 10,000 रुपए में स्किप कर दो। पोको M2 इससे फार बेटर ऑप्शन है। रियलमी C3, 8,500 रुपए में स्किप। ओप्पो नैनो 2, 27,000 रुपए में स्किप। गाइस, नेक्स्ट स्मार्टफोन यहाँ पर रियलमी नार्जो 20, 10,500 रुपए में, मैं बोलूंगा आज की डेट में मत लो, नार्जो 30 आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, और अगर आपका 10,500-11,000 रुपए के आसपास का बजट है तो पोको M2 Pro जो है वो इससे फार बेटर ऑप्शन है, तो आप उसके साथ में यहाँ पर जा सकते हो। रियलमी नार्जो 20A, 8,500 रुपए में, ये भी इतना हाईली रिकमेंड आज की डेट में नहीं करता हूँ। माइक्रोमैक्स का इन
M1 भी ले सकते हो या तो पोको M2 जो है वो आपको 8,500 रुपए में कार्ड के साथ में इससे फार बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस 8,000 रुपए में स्किप, इन्फिनिक्स हॉट 10 9,500 रुपए का है, बैंक ऑफर लगाओगे लाइक 8,500 रुपए में मिलेगा, देख सकते हो डीसेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पर वीवो V20 और V20 प्रो, देखो दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ चिपसेट का 5G 4G का फर्क है। तो मैं बोलूंगा V20 प्रो 30,000 रुपए डालना और 765G वगैरह के लिए इतना हाईली रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ, लेकिन V20 आप देख सकते हो चलेगा, 4G स्मार्टफोन में तो क्या हुआ, 1.5 साल आराम से आप चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5G ऐसा नहीं कि कल आ जाएगा, 1 साल आराम से लगने वाला है। तो अगर आपको बेस्ट सेल्फी कैमरे वाला स्मार्टफोन चाहिए और लुक्स वगैरह काफी अमेजिंग चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले वगैरह चाहिए, डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, डेफिनेटली V20 देख सकते हो। मैं बोलूंगा फ्लिपकार्ट के बदले में ये स्मार्टफोन अगर आपको लेना है ऑफलाइन मार्केट में जाओ और चीप में नेगोशिएट करके जो आप यहाँ पर स्मार्टफोन को ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 7 11,000 रुपए में रिकमेंडेड नहीं है, मोटो G9 पावर 12,000 रुपए में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर ROG फोन 3 44,000 रुपीज में, भाई गेमिंग से ही मतलब है, गेमिंग से ही लेना देना है, और आपको जो लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हो आप, गेमिंग वगैरह गेम प्ले वगैरह रिकॉर्ड करते हो, गेमर हो और स्मार्टफोन चाहिए तो ROG फोन बेस्ट है गेमिंग के लिए स्पेशली। और नेक्स्ट यहाँ पर रियलमी X3 ये आपको 22,000 रुपए में देखने को मिल रहा है, ऑफर वगैरह लगाओगे 21 में मिल जाएगा। तो स्टिल मैं बोलूंगा अगर परफॉर्मेंस से ही लेना देना है, बाकी की चीजों में आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, 4G स्मार्टफोन अगर आपको चलेगा, लेकिन भाई मुझे परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए, गेमिंग चाहिए, एडिटिंग वगैरह के लिए स्मार्टफोन चाहिए, देख सकते हो 21,000 रुपए में कोई बुरी डील नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर रियलमी X50 प्रो 5G 32,000 रुपीज का मिल रहा है, ऑफर के साथ में 31,000 में मिल जाएगा, एंड वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अराउंड 30,000 रुपीज, क्योंकि 90Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 865 5G स्मार्टफोन है, 65W की सुपर फास्ट चार्जिंग और कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 30,000 रुपीज के आसपास का बजट है, एक कमाल का फ्लैगशिप टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन को देख सकते हो। आईफोन 12 78,000 रुपीज का देखने को मिल रहा है, भाई पैसे आपके पास भर भर के रखे हुए आईफोन के शौकीन हो, देख सकते हो। रियलमी X3 सुपर जूम एडिशन 24,000 रुपए में स्किप कर दो। नेक्स्ट LG G8X 26,000 रुपए में स्किप। IQ3 5G भाई 12GB रैम वाला फोन जो है 256GB के साथ में वो अराउंड आपको 35,000 रुपए का देखने को मिल रहा है, ऑफर में 34,000 का मिलेगा। तो अगर आपको एड ट्रिगर वगैरह ऑप्शन चाहिए, रैम रोम मतलब कमाल का चाहिए और एक मतलब कम रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मतलब 60Hz का रिफ्रेश रेट चल जाएगा, देख सकते हो यार 12GB रैम वाला स्मार्टफोन, वो भी 5G स्मार्टफोन इतने चीप में नहीं मिलता है। तो IQ3 देख सकते हो यार 12GB रैम वाला 34,000 रुपीज में काफी बढ़िया डील है। नेक्स्ट यहाँ पर LG विंग 65,000 रुपीज में स्किप, वीवो X50 स्किप, X50 प्रो स्किप। नेक्स्ट है टेक्नो पोवा 10,500 रुपए में स्किप कर दो। माइक्रोमैक्स इन नोट 1 11 का है, ऑफर में 10 का मिल जाएगा, देख सकते हो कमाल का स्मार्टफोन है। नेक्स्ट यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन 1B 7,000 रुपए का है, 7,000 वाला मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, 8,000 वाला जो है आप देख सकते हो काफी बढ़िया डील है। नेक्स्ट यहाँ पर कैमोन 16 प्रीमियम 17,000 रुपए में, बिल्कुल भी इसमें पैसे बर्बाद मत करना। आईटेल विजन 1 6,300 रुपए में स्किप कर दो। टेक्नो स्पार्क पावर 2 एयर जो है 8,000 रुपए में स्किप। टेक्नो कैमोन 15 10,000 रुपए में स्किप। क्योनी मैक्स 5,500 रुपए में स्किप। बहुत प्राइवेसी इश्यूज वगैरह आ रही है तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर लावा Z66 स्किप, लावा Z61 प्रो स्किप। नेक्स्ट यहाँ पर नोकिया C3 7,500 रुपए में स्किप। ऑनर के स्मार्टफोन तो देखना ही नहीं, ऑनर 9SB स्किप। नेक्स्ट यहाँ पर सैमसंग के कुछ ऑफलाइन वाले पॉपुलर स्मार्टफोन, सैमसंग A21S 14,000 रुपए में स्किप, सैमसंग A31 17,000 रुपए में स्किप, सैमसंग A51 20,999 में स्किप, और सैमसंग गैलेक्सी A71 27,500 रुपए में स्किप कर दो। एंड इसके अलावा बहुत सारे ऑफर है किस पे, ओप्पो और वीवो के ऑफलाइन स्मार्टफोन में, जैसे कि Y91 हो गया और ओप्पो में भी बहुत ए सीरीज के स्मार्टफोन वगैरह है। तो ओप्पो वीवो सैमसंग के जितने भी ऑफलाइन वाले मिड रेंज वाले बजट वाले ये आप बोल सकते हो जो प्रीमियम मिड रेंज वाले स्मार्टफोन है, मैं सारे को यहाँ पर स्किप करने का आपको बोलता हूँ, क्योंकि कुछ ऑफर वगैरह तो खास दे नहीं रहे, साथ ही साथ वही महंगे प्राइस पॉइंट पे कम स्पेक्स वगैरह आपको दे रहे, तो लेके फायदा क्या है, तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा, और करता तो मतलब 100 के ऊपर स्मार्टफोन बन जाता। सो गाइस ये सारी स्मार्टफोन डील्स थी जो कि आपको फ्लिपकार्ट के बिग 7 डे सेल में देखने को मिलेगी। 70 प्लस स्मार्टफोन डील्स मैंने आपको बताया हो, मोस्टली इसमें से मैंने स्किप करने को बहुत सारे स्मार्टफोन बोला हो, क्योंकि वो वर्थ नहीं है यार, मतलब जबरदस्ती का वो हाईलाइट करके बताया जा रहा है कि लोग परचेस कर लेंगे, लेकिन आपको समझदारी से यहाँ पर काम लेना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपने हार्ड एंड मनी को जो है अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए
अच्छे तरीके से स्मार्टफोन का जो एक्सपीरियंस वो ले पाओ। तो जो मैंने आपको लेने बोला डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, जो स्किप करने को बोला उसको तो आप दूर ही भगा दो। तो ये हमारी ऑनेस्ट वीडियो थी, क्योंकि हम हर सेल में यहाँ पर बनाते ही बनाते हैं और आप में से बहुत सारे लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आती है। और जितने भी नए लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, पहली बार अगर चैनल पर देख रहे हो, मेरे को पहली बार देख रहे हो, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, एज वेल एज इसमें से आप यहाँ पर कौन सी डील को ग्रैब करने वाले हो। जितने भी मैंने आपको 70 से ज्यादा स्मार्टफोन बताया या आप कोई और सेल का वेट कर रहे हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस आई होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।